अब हम बात करेंगे गाजी मलिक से, जो सब डिवीजन गोल के आखिरी गांव अगर हम कहेंगे तो बेजाना होगा, भेमदासा से ताल्लुक रखते हैं आस्थान मार्ग, भेमदासा आस्थान मार्ग। तो ऐसे सुनने में आया गाजी साहब कि वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ की है, हेल्थ की सिचुएशन जो है सख्त खराब है। वहां पर ड्यूटी पर पहले आते थे लेकिन अब बहुत ही कम वहाँ ड्यूटी पर मुलाजमीन नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि इस तरह की सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई है? बिल्कुल जाहिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ जिन्होंने जो है हमें टाइम दिया अपने इस प्रोग्राम में, और तमाम जो आपके साथ मौजूद मेहमान है इनका भी मैं जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्रोग्राम में आए। और देखिए, जहाँ तक हेल्थ की बात है, इससे पहले मैं जो है बात करना चाहूंगा थोड़ी बहुत, जो आपने बैग डकैती की बात की इस पर भी, और साथ ही जो घाघरा का रोड है, ये तमाम जो है ऐसी अब लाजवाल बीमारियां बनती जा रही हैं जिनका शायद अब मेरे ख्याल में इंतजामिया के पास भी कोई इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। इस किस्म की जो वो कारकर्दगी इंतजामिया से दिखना, ये जो है ये अजीब किस्म का जो है हमें मंजर जो है वो दिखा रहा है। सबसे पहले आपने बात की थी लाइट का, लाइट नहीं है, तो क्या आप जहां पर पूरे सब डिविजन का जो माल है, पैसा है, वो जहां पर जमा होता है, क्या वहां, सबसे बड़ा सवाल है, क्या वहां पर इंतजामिया जो है लाइट का कोई प्रॉपर जो है वो उसका इंतजाम नहीं कर सकती है? ये कौन सी बात है, ये कौन सा बेवकूफाना जवाब है कि लाइट बाजार में नहीं है इस वजह से हमारे यहाँ चोरियां होती है? मैं माजरत चाहूंगा ऐसे अल्फाज के लिए, लेकिन ये हमारी जो है नाकामी है। और पुलिस ने अगर पिछले 2-3 बार की डकैतियों में किसी को पकड़ा तो क्या उनको सजाएं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी को सजा होती किसी चीज में तो यकीनन वो जो है उस चीज से रुकता, लेकिन ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला। वो पता नहीं कब कैसे वापस आ जाते हैं। चाहे आप नशे की बात करें, उसमें भी जो एक पहले दिन पकड़ा जाता है दूसरे दिन वापस निकल आता है, वो उसका पता ही नहीं होता है कैसे गया कैसे आया। इसके साथ साथ घाघरा रोड है तो पिछले, जैसे नवाज साहब ने कहा, 2001 से मसला चला आ रहा है, और हमें जो है वहां पर इस वक्त की बात करें तो इंतजामिया हमारी जो भाजपा की सरकार है वो हमें 47 के सपने दिखा रही है कि 2047 में हिंदुस्तान कैसा होगा। कि भाई आप देखिए 2024 में हमारा हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है, कि गांव के लिए प्रॉपर फैसिलिटी आप रोड की नहीं दे रहे हैं। हमारा रोड यहां पर था, ये भी पिछले 10 साल से जो है बिल्कुल खस्ता हालत थी, और वो भी अब जब बिल्कुल पब्लिक जो है वॉलंटरीली साथ रही मशीनों के दिन रात, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। इसको मैं सुधार नहीं कहूंगा, बल्कि 100 में से अगर हम बात करें तो 10-15% काम हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन पर जो है इंतजामिया को गौर करना चाहिए। दावे करने से कुछ नहीं होता है जब तक आप जमीनी हकायक को ना बदले। साथ ही आपने बात हमारे हेल्थ की, तो हेल्थ की हालत इतनी खस्ता है यहाँ पर। मैंने पिछले साल भी जो है इस पर जो है वो गुजारिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऐसे इलाकों में कम से कम सर्दियों के इन 2 या 3 महीनों के लिए कोई ऐसी जो है गाइनीज डॉक्टर्स वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए थे 2-2, 3-3 मंथ के लिए कम से कम, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ से रोड बंद हो जाते हैं। तो फिर जैसे भी कब मंगवाएं, रोड कब खुलवाएं, तो ये फिर मसला खराब हो जाता है। साथ ही हमारा जो भेमदासा का जो सेंटर है वो बंद पड़ा हुआ है, उसमें अभी तक किसी भी डॉक्टर को जो है ये रहम ये तरस नहीं आता है कि वो यहाँ पर आकर जो है वो ड्यूटी दे। सिर्फ एक डॉक्टर थे हमारे गोल के हैं, हमारे अपने भाई हैं खास, उन्होंने जो है वो, मैंने अपना अपने का लफ्ज किया इस्तेमाल किया, तो इससे कोई ये ना ले कि अपना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ड्यूटी दी। उसके बारे में आप पूरी पंचायत गुई भेमदासा की पब्लिक से पूछ सकते हैं ड्यूटी दी या नहीं दी और कैसे दी, वो पब्लिक जानती है। इसके अलावा तमाम आए, अपना पैसा अपनी सैलरी जो है वो निकालते रहे, खाते रहे पीते रहे। लोगों का जो हशर तब था वही आज भी है। साथ ही जुटनाथ की बात करें तो मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ, क्या आपके हेल्थ सेंटर में इस वक्त कोई फार्मासिस्ट वगैरह कोई डॉक्टर मौजूद है या नहीं? कोई भी मौजूद नहीं है। पिछले, यही मैं बात कर रहा हूँ सर, पिछले कम से कम 2-3 सालों से लगातार जो है वो वहां पर डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं, और वो प्रमोशन के लिए भेजे जा रहे हैं। उनकी प्रमोशन हो जाती है, उसके बाद वो कहते हैं पता नहीं हमने क्या कर दिया, कहीं
इनको जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद प्रमोशन हो जाती है, वो जूनियर से सीनियर हो जाते हैं। सीनियर बनने के लिए हमारा अस्पताल रखा गया है, जिस डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर बनवाना हो उसको जो है बेमदासा भेजिए आप, और वहां से वो उस सीनियर बनवा के लाइए, उसके बाद जो है उसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा मसला इस वक्त हॉस्पिटल जो है बेमदासा का वो खाली है, जुटनाल के अंदर एक सेंटर है वो पता नहीं क्या है, वो किस लिए है, वहां पर खाली जो है वैक्सीनेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कभी कभार जब मर्जी आए तब वैक्सीन होता है, अदरवाइज वहां वैक्सीन भी नहीं पिछले 2-3 महीनों से हुआ शायद। तो यह हालत हमारे हेल्थ की। गाजी साहब, हालिया दिनों में एसडीएम गोल और डीडीसी चेयरपर्सन जैसे रामबन ने वहां पर दौरा किया, उस दौरान उन्होंने लोगों को क्या यकीन दिलाया इससे मतलब सेहत से मतलब बिल्कुल अगर हम बात करेंगे। बिल्कुल सर, हमारी जो चेयरपर्सन शान साहिबा ने दौरा किया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था कि हमने तो ये बताया था कि जो जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर ड्यूटी अच्छी ड्यूटी दे रहे थे, हमने तो रिक्वेस्ट की थी कि उनको यहाँ पर भेजा जाए, लेकिन वो उनको कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से जो है वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकता, हाँ अगर बाजाबता मेरा ऑर्डर वहां के लिए हो सकता है तो फिर वो घरेलू प्रॉब्लम्स को देखने के लिए वो नहीं देखते हैं। वो उन्होंने कहा कि अगर मेरा डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर वहां पर होता है बाजाबता तौर पर, ये नहीं कि जब मर्जी आए आप मुझे वहां भेजो, जब मर्जी आए किसी और जगह ले जाओ, बाजाबता तौर पर ऑर्डर दो मुझे, मैं वहां पर ड्यूटी दूंगा, चाहे मेरे घर के हालात क्या हूं क्या ना हूं, मुझे उससे नहीं है, मैं ड्यूटी वहां पर दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद जो हमने मैडम से भी कहा कि उन्होंने जो इनकार कर दिया जिस डॉक्टर साहब की हम डिमांड कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई फिर शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा नहीं, सोचा नहीं उसके बारे में कि उसके बगैर भी कोई डॉक्टर है, या तो उनकी कोई मानता ही नहीं है जो तैयार ही नहीं होता है वहां पर आने के लिए। ये मसला आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। मैं यहाँ जो है फंड्स भी आए, प्रोजेक्ट्स भी सेक्शन हुए, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन अभी तक नहीं दिख रही है। गाजी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद में जो है थोड़ा काम है। तो देखिए गुजारिश है, जो पीआरआई का पूरा सेटअप था, ये पूरा जो है नरेगा सेटअप था, इसको मैं पीआरआई सेटअप नहीं कह सकता। जो खाली जो है ब्लॉक पर नजर रखेंगे, ब्लॉक के उसके सराउंडिंग्स में घूमते रहेंगे पूरे 5 साल, तो ये जो है दिस इज नॉट कोई, ये दूसरा कोई सेटअप नहीं है, ये नरेगा का सेटअप हो सकता है, ब्लॉक का कोई सेटअप हो सकता है। इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स में इनकी कोई अचीवमेंट बताइए मुझे। अगर हम आज पीआरआई की बात करेंगे तो ये हमें गिनवाएंगे वो पीएमएवाई के मकान या स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो भी वो ये तो कांग्रेस टॉयलेट कॉम्प्लेक्स वगैरह आते थे वो गिनवाएंगे। वो पीआरआई होते तब भी मिलते, नहीं होते तब भी मिलते। सेकंड बात ये मैं बताना चाहता हूँ बीच में कि अभी बात हो रही थी महबूब भाई से, आपने पूछा कि डिजिटलाइजेशन, ठीक है तमाम काम जो है वो डिजिटल वो तरीके से हो रहे हैं, कंप्यूटराइज जो है उस सिस्टम से चल रहा है, लेकिन क्या वो उतना ही समय लेता है जितना जो है हमें बताया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले आपको पता है पिछले दो ढाई महीने से हमारे यहाँ तहसीलदार साहब नहीं थे, लोग डोमिसाइल के लिए तरस रहे थे, तो क्या ये जो है ये डिजिटल सिस्टम है? तो ये तमाम चीजें जो है गौर करने की हैं फिलहाल, तो बस यही चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना चाहता हूँ कि इन चीजों को जो है वो इफेक्टिव जो है वो बनाया जाए। बाकी वरना अगर हम बातें करते रहेंगे तो फिर और शायद 75 साल जो है वो ऐसे ही निकल जाएंगे। जी